मैम कंप्यूटर मध्य मेरा नहीं है। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, ये चैप्टर में मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मेक टूगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जस्ट एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को मिक्स करोगे आपको मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर मिलेगा पर कोई दूसरा न्यू कंपाउंड उसमें से बनकर कोई न्यू कंपाउंड आपको नहीं मिलता। और ये आप कंपाउंड में देखो कि कंपाउंड में क्या कहा है कि एलिमेंट रिएक्ट फॉर्म न्यू कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब इसमें भी अलग है और इस दोनों में अलग अलग है। देखो मिक्सचर में से कोई कंपाउंड नहीं मिलता इसका मतलब अपना आपकी ऑडियो ऑफ रखो, पहले तो ऑडियो ऑफ रखा। ओके एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाता है कंपाउंड, इसका मतलब मान लो कि हम हाइड्रोजन एटम ले, हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर अपना मुझे फेस दिखना चाहिए, आपका घर नहीं देखना है मुझे, कौन है यह मनन पटेल। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर इस तरह से ये कंपाउंड बनाता है हम बोल सकते हैं। पर यहाँ पर बोला है कि एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, मिक्सचर बनता है पर उसमें से कोई नया कंपाउंड हमें नहीं मिलता। एलिमेंट कोई भी ले लो, मान लो कि हम लेते हैं क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड साथ में लेते हैं तो उसमें से हमें कोई न्यू कंपाउंड नहीं मिलता, ये मिक्स फॉर्म में रहते हैं पर नया वाला कंपाउंड ये बॉन्ड ब्रेक होकर सीएल के साथ जॉइंट हो जाएगा, इस तरह से हमें नहीं मिलता। ओके अ वेरिएबल अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, नंबर ऑफ कंपोजिशन मिक्सचर में होगी। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, और हरेक सब्सटेंस के लिए कंपोजिशन फिक्स रहेगी। कंपोजिशन का मतलब क्या है, उसकी स्टेट, उसकी स्टेट, ठीक है। यहाँ पर मिक्सचर के लिए बोला है कि कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है मिक्सचर की, और कंपाउंड के लिए भी बोला है कि हर एक सब्सटेंस की फिक्स होती है। इसका मतलब ऑडियो ऑफ रखो, अपना किसका ऑन है वो मुझे बोल दो। चलो भाई मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछू तब आप आंसर दो, तब आप ऑडियो ऑन रखो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है आपको बोलने की। ओके द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके यहाँ पर हमें देखना था कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, हर एक न्यू सब्सटेंस मीन हमने हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन बनाया तो हर एक की कंपोजिशन ये फिक्स होती है कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में रहता है। मान लो कि सीएल टू की बात करें तो सीएल टू है वो गैसियस फॉर्म में रहता है। ओके मान लो हम मेटल की बात करें कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारी मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में रहती है, ये कंपोजिशन उसकी फिक्स है। थर्ड पॉइंट आपको दिया है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज है, ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी में आएगी। मीन्स सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी आपको देखोगे उसकी स्टेट अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर आपने इसमें डाल दिया हाइड्रोजन गैस है ओके और उसमें कोई मेटल डाली है, कोई कंटेनर लिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस है और मेटल डाली है, इसका मतलब मिक्सचर मेटल और हाइड्रोजन का है। ओके और उसकी प्रॉपर्टी अगर निकाली जाए तो हर एक सब्सटेंस की मिक्सचर में हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होगी। यहाँ पर बोला है कि दी न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, नया सब्सटेंस बनेगा एलिमेंट में से नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मान लो कि पहले पहले इसको ऐड करेंगे, हाँ ओके दो स्टूडेंट सभी वेटिंग में थे। पहले हाइड्रोजन का एलिमेंट ओके और उसमें से हम बना क्या रहे हैं कंपाउंड, मान लो कि हाइड्रोजन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, दोनों क्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टी पहले अलग अलग थी, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी
उसका कंपोजिशन कोई स्पेसिफिक था, उसमें से हमें मिल क्या रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो इसके इसका जो कंपोजिशन, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट है इन दोनों से। शिव चौहान स्ट्रेट बैठो और ध्यान यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का, कैमरा ऑन करो जिसका ऑफ है वो, और ध्यान यहाँ पर जैनिल ऋषि है। देखो इतना टाइम हम आपको देते हैं कोई टॉपिक के लिए, तो आपका भी आपकी भी फर्ज बनती है कि आप ध्यान दो पूरा यहाँ पर। ओके, पहले इसका कंपोजिशन प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट थी, पर बन गया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लैब में आपने देखा होगा। ओके, अगर लिक्विड फॉर्म में ये वाली बोतल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतल, ये अगर आप खुली रखते हो तो उसमें से आपको गैसियस फॉर्म में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा खुला रखोगे तो अपर साइड में गैसियस फॉर्म में ये मॉलिक्यूल है, उसकी मूवमेंट होती है। तो इसका मतलब है कि पहले तो ये गैसियस फॉर्म में दोनों एटम इंडिविजुअल एटम थे। ओके, और गैसियस फॉर्म में थे और दोनों मिक्स हुआ, आपको मिला कोई न्यू कंपाउंड, और न्यू कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया है उससे टोटली डिफरेंट है। फोर्थ पॉइंट दिया है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, और हम उसको इजीली सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, या तो फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं किसको, तो मिक्सचर को। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में बताया है, कंपाउंड के लिए भी कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये तो आपको सबको पता होगा कि भाई इसके लिए तो हमें केमिकल रिएक्शन करवानी होगी, कि HCl एक बार बन गया है और उसमें से अगर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को आपको सेपरेट करना है तो कैसे करोगे, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कोई मेथड चूज करनी पड़ेगी, कौन सी मेथड, तो केमिकल मेथड। इसको कोई आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, कोई कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ये दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये ब्रेक होकर इंडिविजुअल फॉर्म में कब आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेशल कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर वाली अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये इंडिविजुअल फॉर्म में मिलता है। तो ये दो मेथड जस्ट आपको याद रखनी है, कि केमिकल मेथड या तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम इन जो न्यू कंपाउंड बना है उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। आंसर दिया है, किसका आंसर दिया है, तो पहले हमने देखा होगा परफॉर्म ऑल दी। ओके चलो देखते हैं, रीड दी। ओके, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर देना है। डिड दी मटेरियल ऑब्टेन बाय दी टू ग्रुप लुक दी सेम, और विच ग्रुप हैज दी ऑब्टेन। ओके, ये हमने देख लिया था कि ये ग्रुप बनाया था और सल्फाइड की रिएक्शन हुई थी, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और दूसरा ग्रुप है उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। ओके, ग्रुप वन को क्या कोई कंपाउंड मिला होगा, ग्रुप टू को क्या कहीं मिला होगा, ठीक है, ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। अब मैटर है, देखो ये डायग्राम आपको याद रखना है, और कितनी अच्छी तरीके से आपको ये दिया है। देखो कि प्योर सब्सटेंसेस, मान लो मैटर कोई भी लो, सॉलिड लिक्विड और गैसियस, उसमें से उसका दो पार्ट हो सकता है, मैटर का दो पार्ट हो सकता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हम दो डिवीजन में उसको डिवाइड कर सकते हैं, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन या तो हाइड्रोजन मर्क्यूरी, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, मीन्स इंडिविजुअल सब्सटेंस में दिखाई दे रहा है ना सबको। यस ओके, क्योंकि मैंने यहाँ यस मैम, दिखाई दे रहा है मैम यस मैम, थोड़ा yes. जोर से बोलो ना। ओके, जोर से बोलते हैं, इसमें क्या है, चलो एक मिनट, हम पेन यूज करनी है पर आती नहीं, देखो क्या करेंगे।
स्टॉप शेयर करके फिर से मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आई है। आपकी स्क्रीन शेयर चली गई। हाँ हाँ चली गई, मैंने वही करा है, अब आ गई होगी फिर। नहीं आ रही है। आ गई है ना, ओके। चलो फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्क्यूरी, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और बोला है कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। कोई सिंपलर सब्सटेंस मीन्स आयरन है, वो खुद सिंपल सब्सटेंस है, उसको आप ब्रेक करते हो तो उसमें से आपको आयरन ही मिलेगा। जितना आप पार्टिकल साइज चाहो कि भाई मुझे स्मॉल से स्मॉल साइज वाली पार्टिकल साइज चाहिए आयरन की, तो आयरन का अगर आप एक पीस लेते हो, उसको ब्रेक करते हो, एक बार ब्रेक करा, दूसरी बार ब्रेक करा, तीसरी बार ब्रेक करा, आपको स्मॉल पीस मिलेगा, तो वो भी किसका होगा? आयरन का होगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक आयरन की ही होगी, कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल या तो डिफरेंट एटम उसमें से कोई नहीं मिलता, सिंपल सब्सटेंस उसमें से नहीं मिलता। आयरन में से आयरन ही मिलता है, कॉपर में से कॉपर ही मिलेगा। उसको आप जितना भी छोटा कर दो, साइज उसकी जो जितनी भी छोटी ले लो या तो कट कर दो, तो भी आपको कॉपर ही मिलेगा। ऑक्सीजन गैस लेते हो तो ऑक्सीजन गैस वाला सिलेंडर है, उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल आप पिकअप करोगे तो आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा, या तो ऑक्सीजन गैस है, ओके, या तो एटम है, ऑक्सीजन एटम है, उसको आप कोई भी एनर्जी देकर बाहर से उसको ब्रेक करने की ट्राई करोगे तो वो ब्रेक नहीं होगा, या तो कोई सिंपल सब्सटेंस में नहीं आएगा, वो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, ओके। और कंपाउंड के बारे में बताया है, हाउ फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कंपाउंड क्या है? तो अभी हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इंडिविजुअल एटम फॉर्म में ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसको कोई एनर्जी देंगे, कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे, या तो कोई स्पेसिफाइड प्रेशर रखेंगे, तो उस पर से हमें इंडिविजुअल एटम फॉर्म में ये मिल सकता है। मीन्स इसको आप ब्रेक करते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करोगे तो सिंपल एटम आपको सिंपल कोई कंपाउंड मिलेगा, या तो सिंपल सब्सटेंसेस आपको मिल सकते हैं कंपाउंड में से। फॉर एग्जांपल आपको बताया है कि वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और कोई प्रोसेस आप करते हो कि मान लो आपने इसमें क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, या तो इसको ब्रेक करने के लिए कोई स्पेसिफिक आपने एनर्जी यूज करी, तो इसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको ये इंडिविजुअल फॉर्म में मिल सकता है, या तो OH वाला मॉलिक्यूल है उसको भी आप फिर से ब्रेक करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फॉर्म में इंडिविजुअल फॉर्म में ला सकते हो। सेम यहाँ पर मीथेन बताया है कि मीथेन है, वो भी उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या तो शुगर के मॉलिक्यूल है उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि शुगर में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। सोल्ट है, उसको भी ब्रेक करके कोई सिंपल मॉलिक्यूल में ला सकते हैं। सोल्ट का मतलब क्या है? फॉर्मूला उसी है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ब्रेक करके सोडियम और क्लोराइड को इंडिविजुअल फॉर्म में ला सकते हैं। क्लोराइड मीथेन है, मीथेन में क्या होगा? सी, उसका फॉर्मूला क्या है मीथेन का? CH4, चार हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो उसको भी हम इंडिविजुअल फॉर्म में ला सकते हैं। तो यह हुआ कंपाउंड। तो ये दोनों का डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो ये कोई अलग तरीका नहीं है कहने का कि भाई आप इसको याद रखना ही रखना है, ये याद रख लो बस, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, इतना बोलते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। मिक्सचर, मिक्सचर का फर्दर दो डिवीजन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, देख है, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है ये भी हमने देख लिया है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी इसमें, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, ये वर्ड आपके लिए अब डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए, ओके। ये वर्ड आपके लिए अब, ये सिंपल वर्ड है हमारे लिए केमिस्ट्री के वर्ड, अब आपके लिए सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, या तो वाटर एंड अल्कोहल, इसी हर एक मिक्सचर है आप देख सकते हो कि शुगर है वो आप वाटर में डालते हो, डिजोल्व करते हो, तो आप कोई भी, आप जितने भी गुट लेते हो, मीन्स आपने जूस बनाया है तो जूस में आपने शुगर डाली है, तो शुगर आप जितनी भी, मीन्स ये वाला जो जूस है वो आपको पीते हो, ओके, ड्रिंक करते हो, तो इसका मतलब है कि कोई आपको टेस्ट अलग नहीं मिलेगा, सेम ही हर एक गुट में सेम टेस्ट मिलेगा। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन,
हेट्रोजीनियस के लिए बताया है कि कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, किस तरह से, तो सैंड या तो सॉल्ट दोनों का मिक्सचर होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग फेज होगा। सैंड है उसकी पार्टिकल साइज कोई अलग होगी, सॉल्ट की पार्टिकल साइज कोई अलग होगी, या तो शुगर और सॉल्ट की बात करें दोनों को मिक्स कर दो तो दो वो मिक्सचर बनेगा, वो उसको क्या बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें भी पार्टिकल साइज दोनों की अलग अलग हो सकती है। वुड ब्लड या तो वाटर इन ऑयल, ब्लड या तो वाटर इन ऑयल ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके ये भी एग्जांपल हम दे सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके आज तो इतना जल्दी खत्म हो गया ये चैप्टर, देखो 20 मिनट हुई है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है और मैंने आपको लिख कर ये बताया है, कोई प्रेजेंट ले लो, प्रेजेंट ले लो, ठीक है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और अब हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो गया है। देखते हैं थर्ड वाला चैप्टर है तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा चैप्टर आएगा, ये दोनों चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर चैप्टर तो 2 कंप्लीट हुआ ना अभी, चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है, हां सेकंड कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हुआ है और थर्ड वाला, हां और ये ऑडियो ऑफ रखो अपना, पहले तो मैं अपना ये रिकॉर्डिंग है वो पोस्ट कर देती हूं, चलो हां मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दो नहीं तो, हाँ रिकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, दी फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर इज़ बेस्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Is there a change in mass when a chemical change takes place? क्या कोई masses में change आपको मिलता है जब chemical change आप कोई करते हो, तब क्या आपको mass में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि yes of course change हो रहा है, इसका मतलब है कि product reactant में से product बनी है, तो क्या कोई mass में change मिला है, पहले आपने जो mass लिया है तो product बनी है तो उसका mass कितना आया है। एक्टिविटी 3.1 के थ्रू हमें देखना है कि क्या आपको सिंपल वे में थोड़ा एग्जांपल दिया होगा तो पता चल जाएगा। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स x एंड y ऑफ केमिकल्स x y, फर्स्ट दिया है कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, सेकंड में दिया है कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये अलग अलग है ठीक है, ये मिक्स नहीं है, अलग अलग है मीन ये दोनों मटेरियल है, कॉपर की सल्फेट है और ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या होगी Na2CO3, कॉपर सल्फेट की फॉर्मूला क्या होगी CuSO4, बेरियम क्लोराइड की फॉर्मूला क्या होगी BaCl2 और सोडियम सल्फेट की फॉर्मूला क्या होगी तो Na2SO4, लेड नाइट्रेट की फॉर्मूला क्या होगी PbNO3, ये हर एक याद रखना है किसकी फॉर्मूला है, पता होना चाहिए आपको सोडियम क्लोराइड। ओके तो ये तीन आपको बता दिया है कि तीन वे एक्स और वाई का मिक्सचर, मींस ये मान लो कि ये एक्स है, ये मिक्स फॉर्म में दिया है, ये वाई है, यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड एक्स और ये वाई, लेड नाइट्रेट यहाँ पर एक्स और ये सोडियम क्लोराइड है वो वाई है, मिक्स फॉर्म में है। और यस मैम लेड एंड लेड नाइट्रेट की फॉर्मूला क्या थी, PbNO3, क्या Pb लिख रही हूँ एक मिनट देखो, PbNO3 लेड नाइट्रेट, इसको लेड बोलते हैं, आप एलिमेंट देखा पीरियोडिक टेबल में। ओके Prepare separately a 5% of any one pair of substance listed under X and Y in water. X है और Y है, means जो भी आप जो भी ये proportion दिया है copper sulfur sorry
जो भी ये तीन ग्रुप दिया है कि कॉपर सल्फेट या तो सोडियम कार्बोनेट को एक ले लो, मान लो फर्स्ट वाला हम लेते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, 5% सॉल्यूशन आपको बनाना है। और 5% सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, तो 5 ग्राम वेट करके किसका, तो पहला वाला ग्रुप हम ले रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है उसका 5 ग्राम वेट करेंगे, या तो दोनों अगर मिक्स फॉर्म में है तो 2.5 ग्राम हम कॉपर सल्फेट लेंगे और 2.5 ग्राम हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे। टोटल कितना हुआ दोनों मिलाओगे तो टोटल 5 ग्राम हुआ। तो 5 ग्राम को आपको डिजोल्व करना है किस में, वाटर में, और कितने वाटर में, तो 100 ml वाटर में। परसेंटेज में बोला है टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशंस ऑफ एक्स इन अ इग्निशन ट्यूब। अब ये दूसरी तरीके से आपको बताया है कि एक इग्निशन ट्यूब लो और एक कॉनिकल फ्लास्क लो। इग्निशन ट्यूब में आपको क्या करना है, कोई एक सॉल्ट ले लेना है, ओके कोई एक सॉल्ट ले लेना है। भाई ध्यान देना यहाँ पर, Y वाला केमिकल मान लो कि फर्स्ट ग्रुप में कौन सा था, तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट आपने कॉनिकल क्लास में लिया, और X वाला जो है भेज दो वो इग्निशन भेज दो, और कॉपर सल्फेट है वो आपने इग्निशन ट्यूब में लिया, है इग्निशन ट्यूब है क्या, तो छोटी वाली ट्यूब है उसका नाम लिया है इग्निशन ट्यूब। ठीक है, इग्निशन ट्यूब जनरली ये आप देखोगे लेब में इग्निशन ट्यूब कैसी होती है, इस तरह से होती है, और कॉनिकल फ्लास्क इस तरह से थ्रेड से फिट करके बाहर ऐसे लटका दिया है और यहाँ पर कॉर्क लगा दिया है, मीन पैक कर दिया है। हैंड द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड, और पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और फ्लास्क पर आपको क्या करना है, कॉर्क रख देना है। तो ये तो आपने फिट कर दिया है, ये इग्निशन ट्यूब है, ये सॉल्यूशन इसमें एक्स वाला भरा है, इसमें सॉल्यूशन वाई वाला भरा है, और ये कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पर बताया है कि ये थ्रेड है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है इसके लिए। तो जस्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि दोनों कोई अलग अलग जो मटेरियल है उसको मिक्स कर रहे हो या तो मिक्स नहीं करते हो। एक्टिविटी पहले देखते हैं कि इन लोगों ने आपको क्या एक्सप्लेन करा है। वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली, ये फ्लास्क आपने कॉनिकल फ्लास्क देखा उसका आपको वेट करना है, वेट करोगे और जितना भी वेट आया है वो उसका नोट डाउन कर लेना है, उसको नोट डाउन कर लो। नाउ टिल्ट एंड ट्विल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स। अब ये फ्लास्क है ना उसको थोड़ा ऐसा टेढ़ा करो, मीन्स इस तरह से फ्लास्क था, ओके उसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूवमेंट करो या तो पुश करो हाथ से पकड़ कर, तो क्या होगा कि अंदर ट्यूब रखी थी हमने, ये ट्यूब है उसमें से सॉल्यूशन है वो मिक्स हो जाएगा। सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स, एक्स वाला सॉल्यूशन हमने ट्यूब में लिया था और वाई वाला सॉल्यूशन फ्लास्क में लिया था, अगर उसको थोड़ा पुश करोगे या तो ऐसी मूवमेंट दोगे कि ये वाला सॉल्यूशन है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो वेट में क्या चेंज आता है वो आपको देखना है। वेट अगेन, इसका वेट करो, व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्शन रिएक्शन फ्लास्क, क्या होता है रिएक्शन फ्लास्क में वो आपको देखना है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कलर क्या चेंज मिलता है वो देखना है। डू यू थिंक दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, क्या आप सोच सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई होगी। व्हाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्या हमने ऊपर कॉर्क लगाया है तो वो क्यों लगाया है, पैक करके क्यों रख दिया है, क्योंकि अगर आप ये मूव कर रहे हो और अगर में भी अंदर से सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा तो आपने जो वेट करा है उतना वेट नहीं रहेगा, इसलिए हमें कॉर्क लगाया है। दस दिन मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज, क्या मास का जो फ्लास्क का मास है वो चेंज होगा, ये तो उसका कंटेंट है उसका मास है वो चेंज होगा। लो कंजर्वेशन ऑफ मास दैट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से आप फर्थर उसका वेट करोगे, ये वाला फ्लास्क लिया है उसका फर्थर आप वेट करोगे, ठीक है दोनों एक्स और वाई मिक्स हो गया है, इसके बाद ये फ्लास्क का वेट करना है, तो वेट करोगे जितना वेट आपको पहले मिला था उतना ही वेट आपको बाद में मिलेगा, जब मिक्स हुआ है उसके बाद मिलेगा। इसका मतलब है कि आप ये लो
लिख सकते हो, या तो कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेट ये कहता है कि मास है वो कभी प्रोड्यूस नहीं होता, कभी क्रिएट नहीं होता, या तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता केमिकल रिएक्शंस में। पर असल में ये स्टेट आगे भी थोड़ा दिया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में उसका कन्वर्जन होता है, पर कभी वो क्रिएट नहीं होता, या तो कभी उसका कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये समझ रहे हो आप? ये समझ में आ रहा है कि मास हमने जितना लिया है एक्स और वाई वाला मास जितना लिया है वही रहा है। पहले हमने वेट करा था, मान लो 35 ग्राम आया था, और उसके बाद दोनों मिक्स हो गया तो भी उसका वेट जो आपको मिलना चाहिए वही आया है 35 ग्राम। मास में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए ये स्टेट आपको बता दिया है यहाँ से ही। ओके, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ भी बता दिया है लेवोइटर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड्स हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। लेवोइटर है और कोई दूसरे साइंटिस्ट भी है, उसने क्या नोट करा कि जब कंपाउंड है उसको कंपोज करते हैं और उसमें से हम दो या तो दो से ज्यादा एलिमेंट अगर उसमें से हमें मिलता है, ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट आपको सेम प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर इट। या तो कोई कंपाउंड आप लेते हो उसमें से आपको एलिमेंट्स मिल रहा है, वो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन कौन सा है, तो ये कौन बनाता है, ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिया है, क्या याद रखना है वो आपको बता दियो। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। मास का रेशियो आपको बता दिया है, मास का रेशियो कैसे निकालोगे ये किसी को पता है कि मास का रेशियो कैसे निकाला जाता है? मास का रेशियो कैसे निकालेंगे किसी को पता है? Yes or no? यहाँ पर नहीं बता है तो कोई बात नहीं, पर कैमरा ऑन रखना। हाइड्रोजन है वो 2 मोल है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये रेशियो 2:1 है। इसका मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, और उसका मास है 16। मास की बात करें तो मास इसका 16 है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना है 2 है, ओके 2 है, तो रेशियो अगर हम रेशियो की बात करें कि मास का रेशियो आपको निकालना है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर मैंने 16 लिखा है और यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, ठीक है, तो 2 × 16 ये किसका रेशियो है, मास का रेशियो है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1:8, ये आंसर मिला। यहाँ पर आपको बोल दिया है कि 1:8 ये रेशियो है, ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स कोई भी ले लो, सोर्स आप कोई भी ले लो, इसका मतलब है कि आप अगर सी वाटर ले लो, घर में जो पानी पी रहे हो वो ले लो, या तो नर्मदा का पानी आ रहा है वो ले लो, तापी का पानी आ रहा है वो ले लो, जो भी वाटर का मोलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो वही रहेगा। कोई भी वाटर का सैंपल आप ले लो, इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज, तो अगर 9 ग्राम वाटर है उसका अगर हमें डीकम्पोजिशन करना है तो उसमें से आपको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। इसका मतलब है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा उसमें से और 8 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। सिमिलरली अमोनिया है, उसकी फॉर्मूला क्या है, NH3।
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कौन सा है, तो ये रेशियो है, किसके लिए रेशियो है, ये भी मास का रेशियो है, नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास कौन सा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है तो बोलेगा कि नाइट्रोजन का नंबर है वो इतना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा नंबर है कोई बताएगा? यस बोलो किस सेवन सेवन वेरी गुड सेवन 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 एटॉमिक नंबर है उससे डबल मैम 18 जानी है सिर्फ क्या देखो ये आंसर आपको आना चाहिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट आपको याद रहने चाहिए आज से ये होमवर्क है आपका मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी कोई भी स्टूडेंट को इंडिविजुअल ठीक है पता होना चाहिए सबको कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर कौन सा है एटॉमिक नंबर अगर पता होगा तो ऊपर से आप एटॉमिक मास है वो निकाल सकते हो एटॉमिक नंबर 17 है तो एटॉमिक मास इसका नियर अबाउट डबल होता है ठीक है 7 है तो 7 × 2 करेंगे डबल करना है हमें तो 7 × 2 करेंगे तो हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मिल जाएगा ओके और यहाँ पर हाइड्रोजन है वो 3 दिए हाइड्रोजन का मास आपको 1 लेना है